अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा है कि लोकदल की किसान सम्मान यात्रा में उमड़े जन सैलाब से विपक्षी बौखला गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, गरीब, समस्त पिछड़ी जातियां एकजुट होकर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। किसानों को न तो उनके गन्ने की फसल का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही आय दुगनी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को दूसरे प्रदेशों के बराबर गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बिजेंद्र सिंह ने मवाना से बिजनौर कार्यालय तक रोड शो भी किया। इस दौरान हजारों वाहन उनके साथ होने के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। पहले देखिए मवाना कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा चौधरी बिजेंद्र सिंह ने। देखिए, ये किसान, दलित, मजदूर सर्व समाज की पार्टी है। किसानों के जो भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों की जो गन्ने की फसल है वाजिब रेट नहीं मिल रहा है, इसलिए सारा समाज, सारे किसान भाई एकजुट हो रहे हैं। उन्हीं को एकजुट करने का संदेश दिया जा रहा है। किसानों का गन्ने का रेट अभी भी नहीं बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? उसी क्रम में सारे किसान भाई इकट्ठा हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जो दूसरे प्रदेशों में गन्ने का रेट है, कम से कम उत्तर प्रदेश में उतना रेट तो होना चाहिए। ये एक देश है, ये जितने भी प्रदेश हैं एक देश के अंदर आते हैं। ये कहाँ का न्याय है कि एक प्रदेश में कुछ रेट है, दूसरे प्रदेश में कुछ रेट है? ऐसा भेदभाव किसानों के साथ ही क्यों है? तो हम सब लोग मांग करते हैं कि सारे प्रदेशों का गन्ने का रेट एक समान हो और सारे किसान भाई को समान दर्जा दिया जाए और सारे किसान भाइयों को सम्मान दिया जाए। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है। अगर देश की तरक्की करती है तो किसानों का भला करना होगा। उनके जो हक की आवाज़ है, जो उनका हक है, वो सरकार को देना होगा। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं। विपक्ष की अपनी जमीन है, लोकदल पार्टी सर्व समाज पार्टी है, उसकी अपनी जमीन है। हमारे साथ पूरा जनसमूह है। आज तक के इतिहास में आपने इतना जन सैलाब शायद ना कभी देखा होगा, ना कभी देखने को लोकदल के अलावा किसी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लोकदल पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। क्या उस संसद में बैठे हों, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, क्या माननीय राष्ट्रपति जी हों, कोई भी इस आवाज़ से अछूता नहीं है। हम सड़कों पर जन सैलाब के साथ हैं, उनको हमारी आवाज़ देखनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति जी हों, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि किसान एक वर्ग है, एक कौम है, एक जाति है, एक तबका है, एक देश की आवाज़ है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि किसानों की आवाज़ ना दबाई जाए, उनको उनका हक जल्द से जल्द दिलाया जाए। मीडिया से वार्ता के बाद लोकदल ने बिजनौर कार्यालय तक रोड शो किया। देखिए रोड शो के दौरान का नजारा। बिजनौर कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए चौधरी बिजेंद्र सिंह ने यह कहा। देखिए, ये किसान मजदूर जोड़ो यात्रा है।
हसनापुर विधानसभा से शुरू होकर बिजनौर विधानसभा तक जाएंगे और सारे किसानों को एक साथ शुरू करेंगे। सारे किसान भाई एक साथ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सारे किसान भाई पूरे जोश और उल्लास, जैसे आज लोहड़ी का, मकर संक्रांति का या नए वर्ष का एक साथ सरगम करके और एक साथ हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरा उन सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से ये अनुरोध है कि किसान को दबा कुचला हुआ ना समझे। किसान एकता देश में सबसे बड़ी एकता है, किसान को खुशहाल करता है, किसान की तरक्की करती है। किसान अगर खुशहाल होगा तो उद्योग खुशहाल होगा और उद्योग खुशहाल होगा तो ये देश विकसित बनेगा और जब अगर देश विकसित होगा तो इस देश का पूरी दुनिया में नाम होगा। जो रोड शो है इसे खाली आप रोड शो ना देखें, ये एक जन समूह है, ये एक जन सैलाब है जो अपनी मांगों को रखने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। आप सब लोग मेरे परिवार के, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। आपने इतिहास में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बाद इतना जन सैलाब, 500 किलोमीटर लंबा जन सैलाब शायद ही ना देखा हो। और जब सड़क पर किसान, मजदूर, गरीब, कुचले हुए, दबे हुए सड़क पर आ जाए तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन 2024 में होके रहेगा। मैं सभी सरकारों से, सभी प्रतिनिधियों से दोबारा दोहराता हूँ कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम सब समाज की बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि किसानों का जो गन्ने की फसल है उसका भुगतान तत्काल हो। उनकी जो ये कहाँ का न्याय है कि हरियाणा में अलग रेट, उत्तर प्रदेश में अलग रेट, पंजाब में अलग रेट? क्या उत्तर प्रदेश के किसान खाना नहीं खाते? क्या उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है? आप हरियाणा में 392 रुपए दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कहने के बावजूद भी आप 350 का भुगतान सालों साल बात कर रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों? हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, सर्व समाज एक साथ है। आपको चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।